फ्रेंड्स करते हैं वायरिंग। वायरिंग के लिए हमने लिए हैं दो टू वे स्विच और अब लेंगे हम एक रेड कलर की वायर। वायर का एक एंड को हम कनेक्ट करेंगे ये वाले स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे। वायर के दूसरे एंड को ये वाले स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। और अब लेंगे फ्रेंड्स हम एक और वायर रेड कलर की। वायर के एक एंड को हम ये वाले स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। और वायर के दूसरे एंड को ये वाले स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। और अब फ्रेंड्स हम लेंगे एक ब्लू कलर की वायर। वायर के एक एंड को हम कनेक्ट करेंगे ये वाले स्विच के सेंटर के टर्मिनल पे, बीच के टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे इसको। और इसी के साथ हम एक टू वे स्विच और लेंगे। टू वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे ब्लू कलर की जो वायर है उसका दूसरे एंड को कनेक्ट करेंगे। और अब लेंगे फ्रेंड्स हम एक रेड कलर की वायर। वायर के एक एंड को हम कनेक्ट कर देंगे टू वे स्विच के सेंटर वाले टर्मिनल पे, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे इसको। और अब फ्रेंड्स हम लेंगे एक रेड कलर की वायर और वायर के एक एंड को ये वाले टू वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। इस वायरिंग से हम एक बल्ब को चार स्विच से कंट्रोल कर पाएंगे, यानी कि तीन जगह से हम ऑपरेट कर सकते हैं एक ही बल्ब को। और अब लेंगे हम एक रेड कलर की वायर और वायर के एक एंड को हम कनेक्ट करेंगे ये वाले टू वे स्विच के ऊपर के टर्मिनल पे। ये ऐसे हमने दो वायर अलग से कनेक्ट की है रेड कलर की। और अब फ्रेंड्स हम लेंगे एक बल्ब होल्डर। बल्ब होल्डर की कैनोपी को हटाएंगे और इस वायर को बल्ब होल्डर के अंदर डालेंगे। और बल्ब होल्डर के दो टर्मिनल है, किसी भी एक टर्मिनल पे हम इसको कनेक्ट करेंगे। और इसकी कैनोपी को लगाएंगे। और अब फ्रेंड्स हम लेंगे एक टू वे स्विच और हम इसमें चार टू वे स्विच का यूज करेंगे। टू वे स्विच जो होते हैं उसके तीन टर्मिनल होते हैं, जैसे कि ये देख लीजिए आप, तीन टर्मिनल वाला होता है टू वे स्विच। अब टू वे स्विच के कनेक्शन करते हैं ये वाले के। इसके हमने ये ऊपर का टर्मिनल है और ये नीचे का, ये सेंटर टर्मिनल है इसका। ये वाली वायर को हम इसके नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे और ये वाली वायर को हम ये वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे।
अब ये फ्रेंड्स ऐसे वायरिंग हमने की है और अब हम इसमें इनपुट फेज वाली वायर कनेक्ट करेंगे। इनपुट फेज के लिए लेंगे हम रेड कलर की वायर। इनपुट फेज वाली जो वायर है उसको हम कनेक्ट करेंगे ये वाले टर्मिनल पे, ये वाले स्विच के सेंटर के टर्मिनल पे, यानी कि बीच के टर्मिनल पे इसको कनेक्ट करेंगे। ये हो गया इनपुट फेज। और इनपुट न्यूट्रल के लिए हम लेंगे ब्लू कलर की वायर। इनपुट न्यूट्रल को हम कनेक्ट करेंगे बल्ब होल्डर के न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे। ये इनपुट न्यूट्रल है। बल्ब होल्डर की कैनोपी को हटाएंगे और इसको कनेक्ट करेंगे ये यहाँ पे, ये वाले टर्मिनल पे। अब इसमें इनपुट न्यूट्रल और फेज वाली वायर हमने कनेक्ट कर दी है। अभी हमने इसकी पावर ऑन नहीं की है। अब इसमें फ्रेंड्स ये वाला टर्मिनल और ये अभी फ्री है। इसमें हम एक वायर लेंगे। वायर के एक एंड को हम कनेक्ट करेंगे ये वाले स्विच के सेंटर वाले टर्मिनल पे। और वायर के दूसरे एंड को हम स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। अब ये वायरिंग हो गई कंप्लीट। आप इसको देख लीजिए अच्छे से। अब इसमें क्या है कि चार स्विच हमने टू वे स्विच यूज किए, चार स्विच लगा रखे टू वे। अब दो जो टू वे स्विच है ये एक का काम करेंगे, एक स्विच का काम ये करेंगे और ये दो स्विच है ये अलग अलग काम करेंगे, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। ये हो गया एक स्विच, यानी कि इसमें हमने टोटल चार स्विच का यूज किया, लेकिन ये जो बल्ब है ये तीन जगह से ही कंट्रोल होगा, तीन जगह से हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे चार स्विच के जरिए। अब इसको कंट्रोल कैसे करना वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये हमने बल्ब लिया 18 वाट का फिलामेंट बल्ब, इसको लगाया और अब ये स्विच है, इसको सीधा कर लेते हैं हम। ये सीधा होने के बाद अभी ऑफ कर देते हैं इसके और इसकी पावर को कर लेते हैं ऑन। ये फ्रेंड्स हमने पावर ऑन कर दी है। जैसे ही पावर ऑन किया बल्ब अभी ग्लो कर रहा है, यहाँ से इसको ऑफ कर लेते हैं। और जैसे हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं, स्टेयरकेस वायरिंग में यूज किया जाता है, आप इसको कॉरिडोर में भी कर सकते हो, जहाँ भी आपको लगे वहाँ इस वायरिंग को आप कर सकते हो। जैसे यहाँ से चले हमने यहाँ से ऑन कर दिया, बीच में जा करके अगर ऑफ करना है बल्ब को तो ये दोनों स्विच एक साथ हमको दबाने हैं, ये बंद हो जाएगा यानी कि ऑफ हो गया। और यहाँ से ऑन करना है तो यहाँ से भी हम ऑन कर सकते हैं। यहाँ से ऑन है, फिर आपको अगर सेंटर से ऑफ करना है तो आप इसको यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो। ये दो स्विच आपको दिख रहे हैं, ये एक ही स्विच का काम करेंगे, ये एक स्विच है और अभी ऑफ है, देख लीजिए ये स्विच ऑन है। इस कंडीशन में दो स्विच ऑन रहते हैं। अब यहाँ से हम ऑन करेंगे, इस स्विच को ऑफ करते ये ऑन हो गई है और यहाँ से हम ऑफ भी कर सकते हैं। दोनों जगह से ऑफ है और यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ये बल्ब को हम तीन जगह से कंट्रोल कर पाएंगे, चार स्विच से, चार स्विच से हमने वायरिंग की है। ये जो स्विच आप देख रहे हो ये एक इंटरमीडिएट स्विच का काम कर रहा है, फिलहाल ये अभी इंटरमीडिएट स्विच का काम कर रहा है। अगर आप इसको सिंगल को ऑन ऑफ करोगे तो ये काम नहीं करेगा, ये देख लीजिए एक ही काम करेगा। अब ये देखिए आप, ये आगे से वायरिंग काम नहीं करेगी, इसको एक ही साथ ऑपरेट करना है और अच्छे से ये काम करती रहेगी। अब इसको करके दिखाने का रीज़न यही है कि इंटरमीडिएट स्विच लगाने के बाद हमारी ये जो वायरिंग है प्रॉपर काम करेगी, या फिर आप इसको एक स्विच बना सकते हो, यहाँ से इसको
लगा करके और इसको कॉमन कर सकते हो। अब इसमें कई लोगों को कन्फ्यूज़न होती कि इसकी वायरिंग कैसे की जाती है, ये आप देख लीजिए। ऐसे हमने इसकी वायरिंग की है, बहुत अच्छे से ये काम करती है। हमने बहुत जगह ये वायरिंग की हुई देखी हुई है, बहुत जगह कर रखी है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट स्विच है, जल्दी से मिलता नहीं लोकल मार्केट में, इसलिए लोग इसको ऐसे ही बनाते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स, एक बल्ब को चार स्विच से कंट्रोल कनेक्शन। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू फ्रेंड्स।